रिसेंटली मेरे बेटे रियांश को डायपर रैशेज हुए थे। मुझे ये बात बहुत ज्यादा बॉदर करने लगी क्योंकि इतने सारे सेफ्टी मेजर्स लेने के बाद भी ये कैसे हो। मैंने भी डायपर रैश के बारे में इंटेंस रिसर्च शुरू कर दी और पाया कि जिसे डायपर डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है, ये बेबीज में सबसे कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स में से एक है। और ये रैश होते क्यों हैं? तो बेसिकली फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स की वजह से या लंबे समय तक डायपर पहनाए रखने की वजह से भी हो सकता है, या अगर बेबी ने पॉटी की हो और थोड़ा लंबे समय तक आपने डायपर उसको पहनाया है और डायपर को चेंज नहीं किया है, इस वजह से भी होता है। अब मेरे केस में ऐसा तो कुछ था नहीं, तो मैं ये सोच में पड़ गई कि आखिरकार मेरे बेबी को डायपर रैश कैसे हुआ। मुझे ये पता चला कि डायपर रैश एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से भी होता है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि इसे ट्रीट करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल होम रेमेडीज हैं जो आप घर पे ट्राई करेंगे तो बेबी को बहुत इफेक्ट होगा। मैंने तो रियांश के लिए ट्राई किया था और मुझे वो काफी जल्दी उसके रिजल्ट्स पता चले थे। क्या है वो रेमेडीज, आइए जानते हैं। ब्रेस्ट मिल्क के कुछ ड्रॉप्स अगर आप इन्फेक्टेड एरिया पर लगाते हैं और उसे सुखा कर अच्छे से ड्राई करके डायपर पहनाते हैं तो काफी रिलीफ मिलता है। ओटमील भी ट्राई किया था, रियांश को नहाना बहुत पसंद है तो उसके नहाने के पानी में मैंने 1 टेबल स्पून ओटमील डाल दिया और उसे 10 मिनट पानी में छोड़ दिया, जिससे वो बहुत ही रिलैक्स्ड हो गया और उसे मजा भी आती है। डायपर पहनाने से पहले अगर बेबी के बॉटम पे आप कोकोनट ऑयल से मसाज करते हैं तो काफी रिलैक्सिंग होता है। डायपर रैश हो या कुछ भी हो, बेबी को कभी भी कुछ ऐसा हो जाता है तो उनसे ज्यादा तो हम ही फील करने लग जाते हैं और गिल्टी भी। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि क्या आप भी कभी गिल्टी फील कर चुके हैं बेबी को कभी डायपर रैश होने पे या कोई बीमारी होने पे, जरूर बताइएगा। वैसे मैंने रियांश को एलोवेरा जेल, मेरे पास फ्रेश एलोवेरा जेल था तो वो भी अप्लाई किया था और थोड़ा फ्री टाइम दे दिया था, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहा है। आप भी ट्राई करके देखिए, अगर आपके पास एलोवेरा जेल ना हो तो आप बाजार में मिलता हुआ जेल भी यूज़ कर सकते हैं, मे बी इट कैन बी इफेक्टिव फॉर योर बेबी। रील पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर।